तो दोस्तों मेरा नाम है निपयन और टेक्निकल निपयन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जियो का एक हाई स्पीड VPN सेटिंग और कुछ ऐसा सेटिंग जिसको सेट करके दोस्तों आप आपका जियो का इंटरनेट स्पीड को पहले से बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप एक जियो सिम यूज करते हो और आपका जियो का इंटरनेट स्पीड इतना ज्यादा स्लो है कि कोई भी काम आप ठीक ठाक से नहीं कर पा रहे हो, जब आप ऑनलाइन पे वीडियोज वगैरह देखते हो तो आप वीडियोज बफरिंग करता है और कोई भी ऑनलाइन गेम्स अगर आप खेलते हो तो आपका पिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है दोस्तों, और दोस्तों जब रात हो जाता है तब आपका इंटरनेट स्पीड इतना स्लो है कि ना चलने के बराबर है। तो दोस्तों आप इस सेटिंग को जरूर सेट कर लो, उसके बाद दोस्तों आपका इंटरनेट स्पीड जो है वो भी फास्ट हो जाएगा और आपका नेटवर्क प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों VPN सेट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सेटिंग्स बता देता हूँ जिसको सेट करने के बाद आपका फोन में जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह का और भी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवा के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका मोबाइल का मेन सेटिंग्स में चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों नीचे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक एडवांस सेटिंग्स करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डाटा रोमिंग करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस डाटा रोमिंग का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल डाटा रोमिंग करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने तीन ऑप्शन शो हो जाएगा, तो इसको आपको ऑलवेज ऑप्शन को सिलेक्ट करके यह पर टर्न ऑन कर देना है। देने के बाद दोस्तों यह से आपको बैक चले जाना है और एक और बार आपको यह से बैक चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपका जब सिम है उसको यह पर सिलेक्ट कर लेना है, मतलब बैक आने के बाद दोस्तों यह पर आपको दो सिम शो हो जाएगा, तो इनमें से जो आपका जियो का सिम है उसको आपको यह पर सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों नीचे आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रेफर्ड LTE पे सिलेक्ट रहेगा, तो इसको आपको प्रेफर्ड 5G पे सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों आपका फोन में जो VPN है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, तो इसको आपको यहाँ पर रीसेट करके डिफॉल्ट VPN पे सेट कर लेना है। करने के बाद न्यू VPN सेट करने के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है इस न्यू VPN का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका सामने एक एम्प्टी फॉर्म दे देगा, तो मेरा वीडियो देख के आपको इस एम्प्टी फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो दोस्तों सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पर नेम का ऑप्शन दिख रहा है इस नेम का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है 5G। 5G का जी यहाँ पर कैपिटल लेटर पे होगा, उसके बाद एक स्पेस देना है और आपको यहाँ पर एक्टिवेट लिखना है, एक्टिवेट का ए यहाँ पर कैपिटल लेटर पे होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर 5G एक्टिवेट लिख लेना है, लिख के ओके कर देना है। देने के बाद उसके नीचे है VPN, तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है जियो, जियो का जे कैपिटल लेटर पे होगा और इसके साथ आपको यहाँ पर नेट लिख लेना है, बिना किसी स्पेस के नेट यहाँ पर स्मॉल लेटर पे होगा। तो इस तरीके से लिख के आपको यहाँ पर ओके कर देना है। देने के बाद दोस्तों उसके नीचे प्रॉक्सी ए नॉट सेट रहेगा, उसके नीचे है पोर्ट ए भी नॉट सेट रहेगा, आपको यूजर नेम का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यह बार टाइप करना है 5G का जी कैपिटल लेटर पे होगा, उसके बाद एक स्पेस देना है और आपको LTE लिख लेना है, LTE पूरा लेटर आपको यह बार कैपिटल लेटर पे होगा। लिख के आपको यह बार ओके कर देना है। देने के बाद दोस्तों उसके नीचे पासवर्ड ए नॉट सेट रहेगा, उसके नीचे है सर्वर, तो इस सर्वर का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यह बार टाइप करना है www.google.com, यह पर सारा लेटर आपको स्मॉल लेटर पे लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों उसके नीचे है कुछ ऑप्शन MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, MCC एंड MNC, ये सारा ऑप्शन को आपको यहाँ पर नॉट सेट ही रखना है। और MCC एंड MNC का जो ऑप्शन है तो ये दोनों आपको एरिया का हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, तो इसको भी आपको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करके यह पर आपको PAP और CHIP ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों उसके नीचे है VPN टाइप, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है डिफॉल्ट, तो यह पर सारा लेटर आपको स्मॉल लेटर पे लिख लेना है। लिखने के बाद एक कॉमा देना है, देने के बाद आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर पे लिखना है SUPL, तो इस तरीके से डिफॉल्ट कॉमा SUPL लिख के आपको यहाँ पर ओके कर देना है। देने के बाद दोस्तों उसके नीचे है VPN प्रोटोकॉल, तो इसके ऊपर क्लिक करना है।
यह पर क्लिक करके यह पर आपको IPv4/IPv6 ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद उसके नीचे है VPN रोमिंग प्रोटोकॉल, तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर भी आपको क्लिक करके सेम टू सेम IPv4/IPv6 का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों नीचे आपको BRR करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस BRR का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और सबसे ऊपर जो अनस्पेसिफाइड या फिर नॉट स्पेसिफाइड ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक देखने को मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर अनटिक कर लेना है। और करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर LTE ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, EHRPD, EVDOB, EVDOA, EVDO0, 1XRTT। तो इतना सारा ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर इतना सारा ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपका फोन में APN सेव नहीं होता है तो यह पर आपको सिर्फ LTE ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, करके यह पर ओके कर देना है। देने के बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा NVNO टाइप करके, तो इसके ऊपर क्लिक करके यह पर आपको नन पर सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद ये जो फॉर्म है दोस्तों यह पर फिल हो चुका है, तो इसको आपको फोन में सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपका सामने जियो सिम का एक नया APN शो हो जाएगा, तो इसको सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक चले जाना है और आपका फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, ताकि आपका सिम के साथ आपका जो न्यू APN है वो ठीक ठाक अटैच हो सके। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल का डाटा ऑन करके आपको इंटरनेट चलाना है। देखना दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ आपका इंटरनेट स्पीड जो है पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। तो आपका इंटरनेट स्पीड अभी कितना दे रहा है दोस्तों, नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर दोस्तों इस वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह का हेल्पफुल वीडियोस और भी देखने के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगला कोई नया वीडियो लेके। जय हिंद। और दोस्तों अगर आपका फोन कोई हैंग या फिर लैग करता है तो आप राइट वाला वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास एक एयरटेल का सिम है और आपका एयरटेल का इंटरनेट स्पीड भी बहुत स्लो है तो आप लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हो। दोस्तों अगर आप आपका फेसबुक का पासवर्ड भूल गए हो और आपको पता करना है कि आपका फेसबुक का पासवर्ड क्या है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके